हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लैंड। स्वागत है आप सबका। आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए राखी के लिए कुछ स्पेशल आइडियाज। आई नो राखी काफी पास में है, बट मिंत्रा पे सेल चल रही थी तो मैंने सेल पे ही ऑर्डर किया है सब कुछ। और चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबके सब गर्लिश है और कॉटन फैब्रिक में है एक को छोड़ के, और काफी ज्यादा अच्छी इनकी क्वालिटी है। प्लस ये नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, आप लोगों को ऐसा सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि मिंत्रा ने मुझे कहा है कि इनकी तारीफ करो। नहीं, ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ हमेशा। और अच्छा लगे तो वीडियो कमेंट कर देना, और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। कहने की जरूरत नहीं है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा ग्रीडी होना भी जरूरी होता है कभी कभी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, जो भी अभी रिसेंटली आपने रील में देखा भी होगा इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इन सबको बाय करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साइज मेरी डबल एक्सल है, हाइट मेरी 5'2" है और बस्ट मेरा 44 है। तो सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया इन द बिगनिंग ऑल्सो। सबसे पहला सेट दिखाऊंगी जो मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है, और मेरे पास ऐसा कलर था भी नहीं। ये है ब्लैक कलर का शरारा सेट, जो कि 3-piece सेट है विद दुपट्टा आएगा। बहुत ही प्यारे कॉम्बिनेशन में है। इस तरह की आपको ब्लैक कलर की शॉर्ट कुर्ती मिल जाएगी। देखो, मोक्षी ब्रांड की डबल एक्सल साइज में 100% कॉटन का कपड़ा है। ये जो मलबल कॉटन होता है वो वाला कॉटन है। ये बगरू प्रिंट मिल जाएंगे आपको इसके अंदर। ये वाला प्रिंट पूरा बगरू प्रिंट कहलाता है, एथनिक प्रिंट भी कह सकते हो आप इसको। स्लीव्स नहीं मिलेंगी, कट स्लीव्स भी कह लो या विदाउट स्लीव्स आएगा ये। और ब्लैक कलर का है, राउंड नेक है, मोक्षी ब्रांड है। बहुत ही अच्छी चीज है, डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हैं, अपने वार्डरोब में एड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटी में ही सब कुछ है। क्योंकि इसका फैब्रिक जो है ना, एवर लास्टिंग, स्वेट अब्सॉर्बिंग और काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। बहुत ही प्यारा सेट है। इसको कॉम्प्लीमेंट करता है इसका ये शरारा, जो कि बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न में है। इसका पैटर्न अलग आएगा, इसका पैटर्न अलग आएगा, ठीक है। ये पूरे इस तरह से ना एरो जो होते हैं, एरो बने हुए होते हैं, उस तरह के प्रिंट में है। वेस्ट में आपको इलास्टिक मिल जाएगा और काफी ही लूज फिटिंग है। मुझे इसकी काफी अच्छी फिटिंग लगी, लूज लूज सी थी और काफी अच्छा इसके अंदर ना, देखो ये जो शरारा है इसमें काफी अच्छा फ्लेयर मिल जाएगा। वेस्ट भी बहुत अच्छे से है, तो देखो जिसके 3XL साइज है ना वो भी पहन पाएंगे, क्योंकि ये मुझे अच्छे से लूज था, यहाँ से भी लूज था और वेस्ट में से भी लूज था। तो मस्ट बाय प्रोडक्ट है, एथनिक प्रिंट में है। चाहो तो राखी पे पहनो, कभी भी पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, पड़ा नहीं रहेगा, यूटिलाइज हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि इसका प्रिंट ही बहुत खूबसूरत है। ब्लैक कलर की कुर्ती है ना, जो इजिली उसको जीन्स के साथ भी आप पता है ट्राई ऑन मतलब पेयर अप कर सकते हो इजीली। फिर मिलता है ये इस तरह का दुपट्टा, बहुत ही शानदार दुपट्टा है, प्योर कॉटन का दुपट्टा है और डबल कलर में आएगा। और टाई एंड डाई का पैटर्न है, सामने से देख रहे हो इस तरह से टाई एंड डाई का पैटर्न है। इसका कलर इसको कॉम्प्लीमेंट करता हुआ है, बट ये थोड़ा सा ना जिगजैग प्रिंट्स में है। यहाँ पे देखो इस तरह से जिगजैग प्रिंट मिल जाएंगे, बहुत ही शानदार चीज है। पूरे हॉल में से कुछ लो ना लो, ये तो डेफिनेटली लेना, बहुत ही प्यारा लग रहा था, ठीक है। फिर दिखाती हूँ एक और प्यारा सेट, ठीक है, जो बिल्कुल ही डिफरेंट है अपने आप में, और जिसको देखने के बाद ना मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये सबके पास होना चाहिए। ये है एक रैप पैटर्न की ओपन होने वाली कुर्ती प्लस शरारा का सेट। ये कुर्ती बिल्कुल ओपनेबल है, मतलब इसमें कोई साइज रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आप 4XL 5XL तक भी पहन सकते हो, अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, यानी कि आपको यहाँ पे आर्म्स में कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो। क्योंकि ये जितनी मर्जी चाहो उतना एडजस्ट हो जाएगी। देखो ये वाली इसके साथ स्ट्रिंग मिलेगी और आप इसको साइड में, इसको आपको टाई करना है, जितनी मर्जी चाहो उतनी मर्जी पे आप इसको टाई कर सकते हो। इजिली मूव हो जाती है, टाई हो जाती है, बहुत ही शानदार कुर्ती है। 3XL 4XL वाले भी इसको वेयर कर पाएंगे। ब्रांड है इसका अनोक का, अनोक हमेशा अच्छी चीजों के साथ ही डील करता है और वो आपको मिंत्रा पे इजीली अवेलेबल होगा, ठीक है। 3299 इसकी MRP है, साइज डबल एक्सएल है, कलर नेम है जेट ग्रीन, जेड ग्रीन, और ये कुर्ता सेट के साथ आएगा। इसके ऊपर आपको मिल जाएंगे पिंक कलर के फ्लोरल प्रिंट, ठीक है, जिसके ऊपर रोजेज है, बहुत ही प्यारे, 100% कॉटन फैब्रिक है और शॉर्ट कुर्ती है। एम्पायर वेस्ट है, मतलब कि इस तरह से ना ये वेस्ट के अंदर फिटिंग वाला जो बोलते हैं एम्पायर वेस्ट कहते हैं, और इस तरह से ना ये बहुत ही शानदार वाला ये अंदर की तरफ जाएगी, ठीक है। और ये वाली जो स्ट्रिंग है ये लास्ट में आएगी, बहुत ही प्यारी टेसल्स के साथ। तो मस्ट बाय है ये वाली कुर्ती भी, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो
ठीक है, और आपको लगता है कि मुझे लूज कपड़े चाहिए होंगे फ्यूचर में, और मुझे लगता है कि अब मेरा ये साइज कहीं छोटा ना हो जाए मैं लेके, तो ये वाला प्रो टिप है मेरी तरफ से, क्योंकि मैं 2 बार प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ तो मुझे पता होता है कपड़े लेते हैं कुछ है और वो साल भर पड़े रहते हैं, आते नहीं है, तो ये इजीली आ जाएगा। क्या एडवाइस दे दी मैंने, बड़ा अच्छी है यार एडवाइस भी। फिर मिलता है इस तरह का शरारा जिसमें फ्रंट में बेल्ट है, पीछे की तरफ इलास्टिक है, बहुत ही प्यारा है। 3 टीयर में आएगा, 1st, 2nd, 3, ये 3 टीयर्स बने हुए इसके अंदर, देखो 1, 2, 3। इजीली इसके ऊपर भी बहुत अच्छे से आपको रफल का डिजाइन मिल जाएगा, बहुत खूबसूरत है। ये भी मुझे लूज था, और ये है ना देखो इलास्टिक है पीछे की तरफ, तो जितना मर्जी चाहो ये उतनी मर्जी वालों को भी आ जाएगा, लाइक 4XL वाले हो ना तो भी इजीली आ जाएगा। हाँ हो सकता है ऑल दो आपको यहाँ थाइज में टाइट हो, बट वेस्ट में नहीं होने वाला क्योंकि इलास्टिक काफी अच्छे से मूव कर रहा है। तो मस्ट बाय प्रोडक्ट फ्रॉम मिंत्रा, वन मोर मस्ट बाय। फिर दिखाती हूँ एक और 3rd कलर का जो कि बहुत ही सेसी लगता है, और इसको पहनते ही मेरे हस्बैंड ने कॉम्प्लीमेंट दिया है कि आप बहुत डैश डैश लग रहे हो, तो वर्ड नहीं बोल सकते ना, सेंसर हो जाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत था, ग्रीन कलर का, नियॉन ग्रीन कलर का, इस तरह का स्ट्रैप वाला एक शरारा सेट। मतलब ये जो स्ट्रैप्स हैं ये ओपनेबल हैं, इजिली आप अपने शोल्डर्स पे इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं, देखो इस तरह से ओपन हो जाती हैं। ये मैंने ट्राई करते समय आपको एक ओपन रखा है। कुर्ती मिलेगी नियॉन ग्रीन कलर की, हल्का सा ये ग्रीन है ना, काफी चमकता हुआ सा लगता है इसलिए इसको बोलते हैं। एथनिक प्रिंट्स है इसके ऊपर कुर्ती में, पूरे यहाँ पे स्लिट एरिया पे गोटा पत्ती का वर्क है, और इसमें डबल फैब्रिक के साथ स्टिचिंग हो रखी है। पूरा जो ये शेप बन रहा है ना यहाँ पे पूरा गोटा पत्ती वर्क है। नेक इसका वी नेक आएगा फ्रंट में, ये देखो, और बैक कुछ इस तरीके से आएगा। तो ट्राई ऑन अच्छे से देखोगे ना तो ही समझ पाओगे। फिर बढ़ते हैं हम लोग इस तरह से ना शरारे की, तो शरारे का ये पैटर्न डिफरेंट है, ये वाला पैटर्न डिफरेंट है, और बॉटम डिफरेंट है। मतलब 3 पीसेस में इसको स्टिच किया हुआ है, और इस पे भी प्रॉपर लेस का वर्क है देखो, और इसका जो फ्लेयर है ना बहुत ही अच्छा है। शरारे में फ्लेयर नहीं हो ना मजा नहीं आता यार, अजीब से लगते हैं बिना फ्लेयर वाले शरारे, और ये बहुत ही खूबसूरत है। वेस्ट में इलास्टिक है, तो देखो मुझे तो फिटिंग थी इसकी प्रॉपर, 3XL हो तो आ जाएगा, देखो यहां तक जा रहा है ये इजिली, ठीक है, तो आ जाएगा। बस हाँ थोड़ा सा ये है कि थाइज में टाइट नहीं होना चाहिए। तो मस्ट बाय प्रोडक्ट्स सीरियसली। अब एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाती हूँ जिसको बाय करके रिग्रेट हो रहा है, बट बहुत बेसब्री से इंतजार किया था, बट बहुत बेकार निकला। इसकी मैंने शायद फोटो भी ली है आई थिंक, या फिर वीडियो बनाया है, तो देख लेना, क्योंकि इसको पहनने के बाद वो यहाँ फंस गया, फिर उसके बाद मेकअप तो कहाँ ही करती, जैसी थी वैसे ही मैंने पिक ले ली। यार ये बहुत प्यारा लग रहा था, इसके ऊपर ना पूरा इस तरह से आर्टिफिशियल मिरर्स लगे हैं, और प्रॉपर एम्ब्रॉयडरी की गई है मशीन से उन मिरर्स के ऊपर, पिंक येलो और हल्का सा इसमें ना ग्रीन कलर के जो वर्क होता है वो हो रखा था। कट स्लीव्स हैं, और अंदर की तरफ ना स्लीव्स दी गई हैं, देखो आपको इस तरह से आप इस पर स्लीव्स लगवा सकते हो जो नेट के फैब्रिक की हैं। सिल्क का, आर्ट सिल्क का फैब्रिक है, उसके ऊपर एक और फैब्रिक है, और नीचे ना इस तरह से टैसल्स लगे हैं। तो जो मेरी बहनें इस वक्त ये वीडियो देख रही हैं और एक्सल साइज की हैं, तो वो बाय कर लें, क्योंकि जो इसकी साइज मेंशन है ना उससे ये एक साइज छोटा ही चल रहा है। लाइक अगर आप एक्सल में हो तो डबल एक्सल बाय करना, एल में हो तो एक्सल करना, समझ गए, एम में हो तो एल करना, क्योंकि ये नहीं आने वाला साइज के अकॉर्डिंग, ये जस्टिफाई नहीं करता। देखो इस तरह से आपको ना ये लेस मिल जाएगी अच्छी खासी, तो ये पार्टी वेयर, वेडिंग वेयर, कुछ भी समझो, बहुत अच्छी चीज है, बट साइज इसकी नहीं आई है यार। कट स्लीव्स होने के साथ साथ राउंड नेक है, और यहाँ पर तो असली वाले मिरर लगे हैं, सीरियसली फॉर रियल वाले मिरर्स लगे हैं, बहुत ही खूबसूरत है देखने में तो, बट यार छोटा हो गया तो अब क्या करूंगी, इसको रिटर्न कर दिया है मैंने इसे ऑलरेडी। इसके साथ जो शरारा मिला है वो भी थाइस से टाइट है, शरारे में जो चुन्नियों का कपड़ा होता है ना जॉर्जेट वाला, वो वाला कपड़ा लगा है अंदर की तरफ, इसके अंदर ना आर्ट सिल्क का फैब्रिक लगा है, ऊपर की तरफ इसमें ना सिल्वर कलर की गोटा पत्ती लेस लगी है, उसमें गोल्डन कलर की होती है मोस्टली, इसमें सिल्वर कलर की लगी है, और लाइनिंग लगी हुई है इसके अंदर ना शरारे के अंदर, देखो सेम ऐसी लाइनिंग कुर्ते में है, सेम ऐसी लाइनिंग शरारे के अंदर है, तो लाइनिंग के साथ आएगा, बहुत बढ़िया पार्टी वेयर पीस है। बट वही बात है ना कि मतलब साइज को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था सेलर को, और ये मिंत्रा पे पहली बार हुआ है मेरे साथ, पूरी लाइफ में पहली बार हुआ है कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है।
अब इसका ना कोई टैग वैग कुछ भी नहीं है, इसके पास सिर्फ लिखा है कि फिनॉक्स प्रोडक्ट अपैरल MRP 2999 महादेव, और कुछ जीमेल आईडी लिखी है महादेव 6973 पे क्या, और कहीं साइज मेंशन नहीं कर रखा, पता है? देखो कहीं भी कुछ भी साइज मेंशन नहीं है, कोई टैग वैग नहीं है, सिंपल जहां एमएई जिया ऐसा लगा के छोड़ दिया। यहां पर भी कहीं भी साइज मेंशन नहीं है, सी इफ यू डोंट बिलीव मी यू कैन सी दैट, सी कहीं भी साइज का टैग नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि आपने इंटेंशनली इसको हटाया है ताकि सामने वाला उसको देख ना सके, और अगर आप जिसको नहीं आया वो तो रिटर्न करेगा। और दुपट्टे के नाम पे ना ये पीस ऑफ क्लोथ दिया गया है, सी बस इतना सा, ये इसका स्कार्फ बनाएगा बंदा क्या करेगा, ये इतना सा ही मिला है बस, बिल्कुल बेकार था। मैं तो कहूंगी बिल्कुल अच्छा भी लग रहा है तो भी मत लो, क्योंकि यार ना दुपट्टा किसी काम का नहीं है, ओवर प्राइज है, तो ऐसी चीजें तो मत ही लो जो आपको नहीं लगती। इसके अलावा मैंने एक सेट और ऑर्डर किया था, उसमें भी प्रॉब्लम हुई थी मेरे साथ, तो वो भी मैंने रिटर्न कर दिया है। तो देखो मैं हमेशा ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ, ऐसा नहीं है कि सामने वाले ने कहा कि यार इसकी तारीफ करनी उसकी तारीफ करनी, नहीं, हमेशा मेरे चैनल पर जेन्यून ऑनेस्ट रिव्यू मिलेगा। और जैसे कैसे लिबो सिटीजन खा के वीडियो शूट किया जा रहा है, तो बस आप लोगों की हमदर्दी की नहीं, आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी डॉक्टर्स हैं, मालिक है, सबको भगवान अच्छा रखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, जोक्स मारते रहो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, अच्छे अच्छे रील्स बनाती हूँ मैं आजकल फन वाली, चलो आई थिंक यू लव दैट वीडियो, आई लव यू टू।